सात दिन के अंदर अपने YouTube चैनल को मोनिटाइज कर सकते हो। आपने सही सुना, आप सात दिन के अंदर YouTube से पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो, जो बेहतरीन ट्रिक है। और ये ट्रिक जो अप्लाई किया हूँ वही ट्रिक आज मैं बताने जा रहा हूँ। आज के दौर पे बड़े बड़े आदमी भाई YouTube पे आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए। आप देख सकते हैं मनोज दे, एल्विस यादव है, कैरी मिनाटी, यहाँ तक कि कपिल शर्मा का भी देखिएगा ब्लॉग अपना स्टार्ट कर दिए। क्यों भाई, सबको पता है यूट्यूब से बहुत पैसा ही पैसा है भाई। पैसा कमा के करेगा क्या, करियर तो अपडाउन होगा, लेकिन यूट्यूब का करियर अपडाउन नहीं होगा। यहाँ पे पैसा जब छपना स्टार्ट होगा ना भाई, पैसा ही पैसा होगा। तो हर कोई यूट्यूब से आ रहा है पैसा कमाने के लिए, लेकिन किसी को पता ही नहीं है पैसा किस तरीके से कमाया जाए। आज मैं बताने जा रहा हूँ सात दिन के अंदर 100% गारंटी के साथ अपने चैनल से पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। ओनली सात दिन आपकी चैनल मोनिटाइज हो जाएंगे। बहुत सारे मेंबर गलती करते हैं, वो भाई चैनल को मोनिटाइज नहीं कर पाते हैं या यूट्यूब से पैसा नहीं कमा पाते हैं। हर किसी के लिए ये वीडियो लाभदायक होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिसे जितने मेंबर हो आपके जानने वाले हो वो भी पैसा कमा सके। साथ में इस वीडियो पे लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, हम जब भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप तक जाएगा और आप सीख सकते हो किस तरीके से करना है। हम सिखाते हैं वैसे यूट्यूब चैनल पे किस तरीके से व्यू लाए, किस तरीके से मोनिटाइज करें, किस तरीके से ग्रो करें, सोशल मीडिया से कैसे पैसा ही पैसा कर सकते हैं। भाई ये मेरा सेटअप देख रहे हो, यूट्यूब का पैसे से ही है, किस तरीके से किया है वो चीज। भाई पैसा कमाने से पहले आपको चैनल मोनिटाइज करना होगा। अब चैनल मोनिटाइज करने के लिए क्या चाहिए वो जानना पहले जरूरी है। जब भी आप यूट्यूब चैनल मोनिटाइज करते हैं तो सबसे पहले अपने पास क्या आते हैं, 1000 सब्सक्राइबर। 1000 सब्सक्राइबर कैसे करें, अगर ये आपको नहीं पता है इस पे भी वीडियो बना दिया, जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, आपको पता चल जाएगा। और 4000 घंटे, भाई 1000 सब्सक्राइबर तो बहुत सारे मेंबर को देखता हूँ, आस पड़ोस गांव वाले जान पहचान के सबसे मोनिटाइज करवा लेते हैं, जो भाई सब्सक्राइबर पूरा होगा मोनिटाइज हो जाएगा मेरा, लेकिन वॉच टाइम किसी का होता ही नहीं है भाई। तो वॉच टाइम किस तरीके से अगर आपका नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दिए, लेकिन आज जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वो खास है, उसके लिए पूरा देखिए। आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा चाहिए, वो भी 1 साल के अंदर। अगर 1 साल एक हो गया ना, आपकी वो घटना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा आपकी चैनल मोनिटाइज करना। ऐसा गलती नहीं करना है, आपको वीडियो अच्छा बनाना है तो हो जाएगा। बहुत सारे मेंबर बोलते हैं भाई हमको तो लॉन्ग वीडियो से इंटरेस्ट ही नहीं है, हम शॉर्ट वीडियो से ही कमाएंगे। तो आप शॉर्ट वीडियो से ही मोनिटाइज कर सकते हैं, वो किस तरीके से वो चीज समझिए। शॉर्ट वीडियो से आपको 1000 सब्सक्राइबर और 3 वीडियो पे 3 महीना के अंदर 10 मिलियन व्यू चाहिए, तब आप अपने चैनल पे मोनिटाइज कर सकते हैं भाई, एडसेंस बना सकते हैं, अपने अकाउंट बना सकते हैं, और साथ में भाई अपने वीडियो पे एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं लाखों करोड़ों में। बहुत सारे मेंबर बोलते हैं क्या चैनल मोनिटाइज करने से ही पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको सुपर चैट, सुपर थैंक्स, एफिलिएट मार्केट, शॉपिंग, इस सब से भी पैसा हो जाएगा। तो बहुत सारे मेंबर बोलते हैं मोनिटाइज करने के लिए तो आप बता दिए, इसको करने के लिए क्या चाहिए। भाई इसको स्टार्ट करने के लिए ना 1000 सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, ओनली 500 सब्सक्राइबर चाहिए। आप शॉर्ट करो या लॉन्ग करो, अगर लॉन्ग से कर रहे हो तो 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटा वॉच टाइम आप पूरा कर लो, ये सब सर्विस एनेबल हो जाएगा। और साथ में अगर शॉर्ट से करना चाहते हो ओनली 3 मिलियन, भाई 3 महीने के अंदर कर लो, आपका हो जाएगा। इसमें आपको सुपर थैंक्स, सुपर चैट, एफिलिएट मार्केट, शॉपिंग, ये सब आपका इनेबल हो जाएगा, आप बिंदास कर सकते हो। अब सोचो इतना पैसा तो हो ही रहा, अब भाई किस तरीके से करें जो हमारे 7 दिन के अंदर हो जाए, तो आपको ये चीज समझना होगा। उसके लिए आपको भाई पहला चीज है वीडियो का क्वालिटी बनाना होगा। ये हमारा वीडियो देख रहे हैं इतना क्वालिटी में, आप देख रहे हैं, मन कर रहा है बार बार देखिए ये वीडियो। आप वीडियो बनाते हो बोरिंग, ऐसा आपको देखेगा कौन, ये चीज हमेशा याद रखिए। आपको चाहिए जल्दी से जल्दी पैसा कमाए,
आपको वीडियो क्वालिटी में डालना होगा और साथ में ऑडियो के लिए, आपकी ऑडियो क्वालिटी के लिए माइक भी जो होना जरूरी है, आपको माइक लगाना होगा। बहुत सारे मेंबर बोलते हैं फोन से हो जाएंगे। भाई फोन का फ्रिक्वेंसी होता है 100 मीटर। आप सोच रहे हैं 100 मीटर कितनी दूर डिस्टेंस से लेता है। अगर यहाँ पे रिकॉर्डिंग करोगे, अगर 100 मीटर के अंदर कुछ भी बोला जा रहा है मोबाइल कैप्चर कर लेगा, आपके वीडियो के अंदर नॉइस आ जाएंगे, आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छा होगा लेकिन ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाएगा। जब ऑडियो क्वालिटी खराब होगा कोई देखना पसंद नहीं करेगा। ऐसा गलती नहीं करें, आपको हाई क्वालिटी के साथ साथ भाई ऑडियो क्वालिटी पे भी ध्यान देना होगा। उसके बाद होते हैं आपको वीडियो एडिट अच्छा से करना होगा। वीडियो एडिट से आप बोरिंग की बोरिंग वीडियो को एंगेजमेंट बना सकते हैं। अब एंगेजमेंट की बारी आए तो भाई ये चीज जरूरी है यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए। अगर आपकी चैनल मोनिटाइज हो गया है या मोनिटाइज होने वाला है, अगर आपके वीडियो पे एंगेजमेंट नहीं आ रहा है तो पैसा नहीं कमा सकते। भाई एंगेजमेंट क्या है ये चीज समझिए। एंगेजमेंट ये है आपकी वीडियो को पूरा से पूरा हर कोई मेंबर देखे, आपकी वीडियो बोरिंग ना लगे। बहुत सारे मेंबर गलती करते हैं, किसी तरीके से वीडियो बना लेते हैं लेकिन वो तो कमा ही नहीं पाते पैसा। अरे भाई आप करोगे क्या, आपकी चैनल मोनिटाइज होते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में देखते हैं भाई 1 साल से ज्यादा हो गए, 2 साल से हम कर रहे हैं लेकिन हमारा चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ। आप इंगेजमेंट कंटेंट नहीं बना रहे हो, ये चीज समझो। आपको इंगेजमेंट कंटेंट के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं भाई, आपकी वीडियो बोरिंग ना हो। इंगेजमेंट का मतलब ही होता है अगर 10 मिनट का वीडियो है, आपकी वीडियो 8 से 10 मिनट तक देखें, आप वो किस तरीके से बना सकते हैं, वो एडिटिंग से बना सकते हैं, आपकी स्किल अच्छा है वो से बना सकते हो। आप एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए वीडियो बनाने से पहले स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, तब होगा। उसके बाद आपने वीडियो बना लिया, वीडियो चलेगा कैसे और कितना बड़ा वीडियो होना चाहिए? अगर आपकी चैनल मोनिटाइज जल्दी करवाना है तो कोशिश कीजिए स्टार्टिंग में कम से कम 15 से 20 मिनट का वीडियो होना चाहिए। इसके दो कारण हैं, आपको दो कारण बताते हैं। पहला, आपकी जब भी ज्यादा वीडियो चलेंगे, जितना लॉन्ग वीडियो होगा उतना इंप्रेशन ज्यादा जाएगा। दूसरा चीज है, जितना लॉन्ग वीडियो होंगे वॉच टाइम आपका पूरा होगा, और जब भी आप चैनल मोनिटाइज करते होंगे उस टाइम यूट्यूब बोल रहा होगा वेरिफिकेशन करने के लिए। जब वेरिफिकेशन पे जाते हैं तो क्या बोलता है, 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो को वेरीफाई करना जरूरी है। यानी 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो बनाते हैं तो वो कंटेंट क्रिएशन के अंदर आता है, उससे कम वाले पे आप कोई कुछ भी बोल देता है। लेकिन 15 से ऊपर के वीडियो बनाते हैं उस पे आपको कुछ स्क्रिप्टिंग करना पड़ता है, कुछ एडाउन करना पड़ता है, तभी इतना बड़ा वीडियो बनता है। इसलिए बोला जाता है ये चीज जरूरी होता है। जब आप 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो बनाओगे उस पे एंगेजमेंट ज्यादा आएगा, एंगेजमेंट ज्यादा आएगा तो भाई इंप्रेशन ज्यादा आ जाएगा, इंप्रेशन जाएगा तो आपकी चैनल पे सब्सक्राइबर वॉच टाइम जल्दी आएंगे, आपकी चैनल मोनिटाइज हो जाएंगे, तो इजिली कर सकते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा चलाने के लिए क्या करना होगा, अब वीडियो जब आप बना लिए मोनिटाइज करना है तो उस वीडियो को SEO करना जरूरी है। अब SEO कैसे करें ये चीज समझिए। वीडियो को SEO पहले बहुत सारे को पता ही नहीं है, पर SEO होता क्या है? SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो आप वीडियो बना रहे हो ये किसको दिखाना है ये चीज समझो। अगर आप खाना बना लिए और वो किसको खिलाना है ये आपको पता ही नहीं है, फिर क्या मतलब? तो वही चीज है, दिखाना किसको है। अगर वो मेंबर सही रहेगा आपकी इंगेजमेंट ज्यादा जाएगा, आपकी वीडियो ज्यादा जाएंगे, आपकी चैनल जल्दी मोनिटाइज होंगे, आप पैसा जल्दी कमाओगे। एग्जांपल के तौर पर समझो, हमको सीखना है कुकिंग, मुझे खाना कैसे बनाना है। अब हम सर्च करेंगे खाना कैसे बनाना है, जैसे मान लो पनीर की सब्जी कैसे बनाना है। अगर आपके अंदर उस टाइम अगर डांस का वीडियो आएगा तो क्या हम डांस का वीडियो उस टाइम देखेंगे? नहीं देखेंगे, हम उस टाइम खाना बनाने वाला ही देखेंगे। तो वही काम करता है जिसके लिए सर्च करें या जो वीडियो बनाए हैं वो SEO के अंदर आते हैं। जो आप SEO करोगे तो परफेक्ट मेंबर के पास जाएगा। अब भाई जब पनीर की सब्जी बनाने का तरीका आएगा तो वो वीडियो हम पूरा देखेंगे। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो यूट्यूब को क्या लगेगा, भाई वीडियो अच्छा है इसको रिकमेंड में भेजो। जहां पे 100 व्यू आ रहे हैं वहां पे 1 लाख व्यू आएंगे आपकी एक चैनल पे, भाई एक वीडियो से चैनल मोनिटाइज, ये चीज समझो।
तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब SEO के अंदर क्या क्या आते हैं ये चीज समझो। पहले होते थे SEO के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, लेकिन अब टाइटल थंबनेल ऐड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन और टैग। भाई टाइटल ऐसे लिखो जो आई केची हो, टाइटल देखने से पता चल जाए, जो वीडियो में हम देखेंगे तो क्या हमको मिलेगा, इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं और क्या चीज हो सकता है, ये चीज आप समझिए। बहुत सारे मेंबर गलती करते हैं, और आप वीडियो कितना भी अच्छा कर ले, आपको थंबनेल और टाइटल देख के ही क्लिक करेंगे। जब आप वीडियो अच्छा बनाए हो और टाइटल और थंबनेल अच्छा नहीं है, जब क्लिक ही कोई नहीं करेगा तो पता किसको चलेगा जो आपका वीडियो अच्छा है कि खराब है, ये चीज समझिए। इसके लिए बनाना जरूरी है। अगर आपको थंबनेल नहीं बनाने आता है, हम 10-15 वीडियो बना चुके हैं इस पे, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा क्रिएट थंबनेल एंड एडिट वीडियो वाले पे, उस पे हर किस दे दिए हैं, जाके अलग अलग वैरायटी से देख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल का बैनर कैसे बनाते हैं वो भी दे दिए, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन क्या काम करते हैं ये चीज समझिए। डिस्क्रिप्शन ये है जो आपके वीडियो को बताता है, जो हमको क्या सर्च करोगे तो हम ये चीज पे आ जाएंगे। बहुत सारे मेंबर ये गलती करते हैं, उसको पता नहीं होता है। भाई उस हर मेंबर को डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो यूट्यूब को पता चलता है आपने किस चीज पे वीडियो बनाया है, तो ये चीज जरूरी होते हैं। तो इस तरीके से हो गया। आए हम टैग सेक्शन में। टैग सेक्शन क्या है ये चीज समझिए। टैग सेक्शन का मतलब होता है आपके वीडियो को हम किस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे मेंबर बोलते हैं भाई कुछ भी डाल दो सर्च कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको सर्च करने के लिए नॉर्मल तौर पे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे इस पे आपको दे हैं यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, यूट्यूब चैनल से पैसा कैसे कमाएं, यूट्यूब पे पैसा कैसे कमाएं, यूट्यूब चैनल से पैसा कैसे कमाया जाता है, इस तरीके जितने भी वीडियो होंगे आप सर्च करोगे, हमारा वीडियो रिकमेंड करेगा, आप देखोगे, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये चीज समझ गए। और चैनल मोनिटाइज करने के लिए आपके चैनल की फोकस होना चाहिए, चैनल को ऑप्टिमाइज होना जरूरी है। ऑप्टिमाइज का मतलब होते हैं आपका चैनल का नाम, आपके चैनल का लोगो और बैनर, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे मेंबर यहाँ पे गलती करते हैं, नहीं करते हैं भाई, ऐसा गलती कर रहे हो तो आपकी चैनल मोनिटाइज होने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आपके चैनल की बैनर आपको नहीं पता है, 2 वीडियो पहले जाके देख लीजिए, हमने आपको बता दिए हैं YouTube प्रोफेशनल बैनर किस तरीके से बनाया जाता है, आप जाके सीख सकते हो किस तरीके से बैनर बनाते हैं। अगर नहीं आता है तो बैनर देख के पता चलता है आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है। अगर आप बैनर अच्छा नहीं बनाते हो तो पता चलता है आपकी बैनर क्वालिटी से ही पता चलता है आप कितने अच्छा यूट्यूबर है। तो भाई बैनर अच्छा बनाओ जिससे आपको देख के क्लिक करे। अगर 100 मेंबर हैं, अगर बैनर अच्छा बनाए हैं 100 में से 90 मेंबर क्लिक करेंगे। अगर आप वीडियो बहुत अच्छा बना रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, अगर बैनर खराब है 100 में से 10 मेंबर सब्सक्राइब करेंगे, 90 मेंबर नहीं करेंगे। तो आपको बैनर अच्छा बनाना होगा, आपकी जो लोगो है वो बेहतरीन रखना पड़ेगा, और चैनल नेम यूनिक रखना पड़ेगा। आप जो कंटेंट डाल रहे हो उसी रिलेटेड होना चाहिए, उस तरीके से आप जल्दी मोनिटाइज कर पाओगे। और लास्ट में अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अदर प्लेटफॉर्म पे। उससे क्या होता है, यूट्यूब से भाई शेयर करना जरूरी क्यों है ये चीज समझिए। हर कोई आपको पता है शेयर करने से रैंकिंग बढ़ता है, आपकी वीडियो जितने भी विजुअल होगा, जितने मेंबर देखेगा उतना आपकी वीडियो का रैंकिंग बढ़ेगा। अगर कम लोग देख रहे हैं तो आपकी रैंकिंग कम होते जाएंगे, अगर ज्यादा लोग देख रहे हैं आपकी रैंकिंग ज्यादा हो रहा है। और जब आपके वीडियो का रैंकिंग ऊपर आएगा तो आपकी चैनल का भी रैंकिंग ऊपर आएगा। एग्जांपल के तौर पे हमारा चैनल का नाम है यूट्यूबर क्रेश। अभी के टाइम अगर कोई हमारा रैंकिंग ऊपर चला गया, जैसे यूट्यूबर भी कोई लिखेगा, यूट्यूब भी लिखेगा, तो हमारे ऊपर वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है ना विजुअल बढ़ाना होगा, आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा तो है, अलग अलग साइट पे जाके कर सकते हैं। और आपको पता है गूगल के ही कंपनी मेटा के अंदर ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, गूगल सब कुछ आता है। तो भाई आप सोचो जब एक ही डाटा बेस है वहां पे शेयर करने से ऑटोमेटिक रैंकिंग बढ़ेगा, आप ये गलती ना करें, ज्यादा से ज्यादा करें, और इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी चैनल मोनिटाइज कर सकते हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो पे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे सब कोई पैसा कमा सकता है। और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाते हैं जो सबसे पहले आप तक जाए और आप जल्दी से कमा सकें।